Vegetative propagation. When vegetative parts of plants, say roots, stems, leaves, they give rise to new plants, process is called vegetative reproduction या vegetative propagation. ये naturally होता है और इसे artificially भी brought किया जा सकता है. Natural vegetative propagation. Bulbs. Bulbs are short underground stems. Bulbs क्या हैं? ये short underground stems हैं. Surrounded by thick fleshy leaves that contain stored food. ये surround किसके through होते हैं? Thick fleshy leaves से जो कि store करते हैं food को. Adventitious roots जो इमर्ज करती हैं इन बल्ब्स की बेसिस पर और शूट्स इमर्ज करती हैं इन बेसिस के टॉप पर. ट्यूलिप्स, अनियंस और लिलीज रिप्रोड्यूस होते हैं बल्ब से. कॉर्म्स. कॉर्म्स आर शॉर्ट एंड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स कंटेनिंग स्टोर्ड फूड. कॉर्म्स जो हैं ये शॉर्ट और स्वोलन स्टेम्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि स्टोर्ड फूड को कंटेन करती हैं. बर्ड्स आर प्रेजेंट एट टॉप ऑफ कॉर्म. कॉर्न के टॉप पर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रोज एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट. एक बर्ड से शूट ग्रो करती है और एक नया प्लांट फॉर्म करती है. डैशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस करते हैं कॉर्म्स के थ्रू. राइजोम्स. राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स. राइजोम्स जो हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, उनके स्केल लीव्स होते हैं. इन लार्ज पोर्शंस जिन्हें नोड्स कहते हैं. बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं नोड्स से. बर्ड्स होते हैं अपर सरफेस ऑफ राइजोम पे होते हैं और ये शूट्स को राइज गिव राइज करते हैं. जो लोअर सरफेस है ये एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस करती हैं. जिंजर, फर्न्स और वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस होती हैं इनके थ्रू. स्टेम ट्यूबर्स. दे आर इन लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. ये एग्रीगेशन होते हैं टाइनी बर्ड्स की आइस की फॉर्म में. ट्यूबर की अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ ट्यूबर. फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज और यार्न्स रिप्रोड्यूस होते हैं ट्यूबर्स के थ्रू. सकर्स. ये लेटरल स्टेम्स जो ग्राउंड लेवल के क्लोज होती हैं और ये ग्रो करती हैं अंडरग्राउंड, फिर ये बाहर निकलती हैं और एक नया प्लांट प्रोड्यूस करती हैं. मिंट और क्राइसैंथेमम इस वे से रिप्रोड्यूस होती हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स. ये कॉमन नहीं है और कुछ प्लांट्स में जैसे ब्रायफिलम पैथरकट में. इस प्लांट के फ्लैशी लीव्स हैं और एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं जो कि लीव्स के मार्जिन से प्रेजेंट होती हैं. जब लीफ ग्राउंड पर फॉल करता है तो बर्ड ग्रो करता है न्यू प्लांट में. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. जो गार्डनर्स और फार्मर्स हैं दे आर यूजिंग सर्टेन आर्टिफिशियल मेथड्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ प्लांट. फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स. कटिंग. कटिंग में क्या होता है? कटिंग में बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम्स और रूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट. जो स्टेम या रूट है पेरेंट प्लांट की उससे कटिंग ली जा सकती है. दे हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम विच ग्रोथ कैन अकर. कटिंग ऐसे रीजन से लेनी है जहाँ मेरिस्टेमेटिक रीजन हो. व्हेन कटिंग्स आर प्लेस्ड इन सूटेबल सॉइल अंडर राइट कंडीशंस. जब उन कटिंग्स को एक सूटेबल सॉइल में डालो, राइट कंडीशन मतलब सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट हो, तो वो शूट्स बनाती हैं और फिर रूट्स और शूट्स बनाती हैं. रूट्स और शूट्स ग्रो करके प्लांट बना लेते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट से. रोजेज, आईवी, ग्रेप वाइंस इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं. स्वीट पोटैटो एक एनलार्ज रूट है. फार्मर्स इसे मॉइस्ट सैंड में प्रोड्यूस करते हैं और उसे सेवरल प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. फिर ये प्लांटलेट्स को रिमूव करके प्लांट करते हैं. इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है एक सिंगल प्लांट से प्रोड्यूस हो जाते हैं. ग्राफ्टिंग. एंड ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैच विद अनदर प्लांट विद एस्टैब्लिश रूट सिस्टम. ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक पीस जो है किसी स्टेम से काट कर किसी दूसरे प्लांट के साथ लगा देते हैं. आफ्टर ऑल जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और होस्ट प्लांट के और अटैच स्टेम के वो कनेक्ट हो जाते हैं. स्टेम पीस और प्लांट इकट्ठे ग्रो करते हैं एंड इट इज़ यूज टू प्रोपगेट मैनी रोजेस, पीच ट्रीज, प्लम्स ट्रीज एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्लांट जो एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन और जो मैथड के इसके एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस. ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं. बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स प्रिजर्व हो जाते हैं. देर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन. हेल्प्स टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स एट रैपिड रेट. जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे पास ओवर मेनी अनफेवरेबल कंडीशन. प्लांट्स बेयरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रोन ऑन अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. डिसएडवांटेजेस.
द प्लांट्स डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशंस, इस तरह के प्लांट्स में कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती। स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज अटैक करती हैं और रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, क्लोनिंग जो एक लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से, और ये टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जो अप्लाई हो रहा है इस मेथड में। टिश्यूज एक प्लांट से लेते हैं, उन्हें सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, माइटोसिस होती है, मास ऑफ सेल कैल्यूस बनता है, कैल्यूस जो है वो नया प्लांट बना देता है।